हेलो और वेलकम बैक सर, स्वागत है आपका अगेन सर नेक्स्ट एपिसोड में सर हमारे। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर। इस समय जो मैं लिस्ट लेके बैठा हूँ सर, बहुत सारे सवाल हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में लोगों ने कमेंट किए हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं जो मुझे लगा कि मुझे आपसे पूछने चाहिए जिससे उनको उनके राइट आंसर मिल जाए। जी जी सर, इसमें TMJ से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, कुछ कॉमन हैं। ओके, दो तरीके के सवाल हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है कि मेरे जो जॉ है उसमें दांतों में दर्द रहता है, और क्या ये जबड़े में जो यहाँ से TMJ का ज्वाइंट होता है इसके कारण ही मेरे यहाँ पर जॉ में भी दर्द रहता है? नहीं, जॉ में दर्द होना अलग विषय है, दांतों में दर्द होना अलग विषय है। अगर उनके दांतों में दर्द होता है तो किसी डेंटल सर्जन से चेकअप कराएं कि किसी दांत में कोई कैविटी तो नहीं है या कोई और दिक्कत तो नहीं है। अगर जबड़े में दर्द है तो जबड़े में दर्द का मतलब हम कहते हैं कि ज्वाइंट पेन है, TMJ का ज्वाइंट पेन है। okay. वो अलग चीज़ हो गई। तो पहले तो ये क्लियर करें कि दांतों में दर्द है या जबड़े के ज्वाइंट में पेन है, TMJ का पेन है, दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो किसी निजी नज़दीकी जो है दंत चिकित्सक से मिलें और उससे पहले ये डायग्नोस करें कि हमारी डेंटल प्रॉब्लम है या TMJ की प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से समाधान का किया जाए। TMJ से जुड़ी हुई अगर प्रॉब्लम इनकी होगी तो आपने पिछले वीडियो में कुछ मेडिसिंस भी बताई थी जी, तो वो उसके लिए इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं जी, है ना सर? जी जी सर। नेक्स्ट सवाल ये है हमारा कि व्यूअर ने लिखा है कि मुझे खाना खाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी मेरे इस ज्वाइंट से आवाज आती है। अगर ऐसा है, खाना खाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और केवल कभी कभी वो आती है, तो एक तो जो एक्सरसाइज मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उन एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें, करके देखें, उससे बहुत कुछ रिलीफ होगा। साथ में मेडिसिन के रूप में मसल रिलैक्सेंट जो मैंने बताई थी, चाहे नाइस MR है, जीरोडॉल TH है, 4 mg वाली, ये सुबह शाम लेके देखें, और जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं उनको करके देखें, इससे मेरे हिसाब से काफ़ी आराम मिलना चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट सवाल है कि 6 महीने से आवाज़ मेरे TMJ में आ रही है और दर्द बिल्कुल नहीं होता है, तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है? इनके लिए तो सबसे अच्छा जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, हमारे जॉ मूवमेंट का अपोज करना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए, जब भी हम अपने जॉ मूवमेंट का अपोज करते हैं तो अपनी इसके चिन के नीचे हाथ लगाएंगे, सपोर्ट करेंगे इसके नीचे और माउथ को ओपन करने की कोशिश करेंगे। ये हम कर रहे हैं माउथ ओपनिंग का अपोज। इसी तरीके से फिंगर को अंदर ले जाके टीथ के ऊपर रख के नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे और माउथ क्लोजिंग का अपोज करेंगे। एक एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज है कि हम अपने जॉ मूवमेंट का राइट साइड या लेफ्ट साइड में जब ले जाते हैं तो उसका अपोज करना है हमें। और थर्डली आप मसल्स का इस तरीके से मसाज करेंगे। हाँ, तो उसके मसाज करने के लिए कोई आप ऑइंटमेंट भी ले सकते हैं या सिंपल घर पे सरसों का तेल होता है उससे भी कर सकते हैं, उससे आराम मिलेगा, मसल्स का उसमें रिलैक्सेशन होता है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा आर्मी में मेडिकल है जिसमें TMJ वालों को डिस्क्वालीफाई क्या कर देंगे, इनको भी कंफ्यूजन आई थिंक कि कर देंगे या हो सकता है इन्होंने ये लिखा हो कि इनको श्योर हो कि उसमें TMJ वालों को रिजेक्ट कर देंगे, तो ऐसे में प्लीज़ बताइए कि मैं क्या करूं और मेरे बिल्कुल भी किसी भी तरीके की स्वेलिंग नहीं है बट आवाज़ आती है मेरे TMJ से। नहीं, सामान्य अगर आवाज़ आती है तो उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल फंक्शनल में कहीं इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो मेडिकल प्रोफेशनल चेकअप करते हैं, वो अप्रूव करते हैं कि नॉर्मल फंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, च्यूइंग में कोई दिक्कत तो नहीं है तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्वालीफाई करेंगे, अदरवाइज सामान्यता नहीं करते हैं। और अगर समय है इनके पास मेडिकल कराने के लिए तो उससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उनका इस्तेमाल करें, काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी समस्या। सर, हमारा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि मुझे टाइट चीज़ें खाने में बहुत परेशानी है और मैं 3 साल से चावल ही खा रहा हूँ और मैं किसी भी चीज़ को अब दबा नहीं पाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? नहीं, क्यों नहीं दबा पाते हैं? जोड़ में दर्द होता है या दांतों में? TMJ से रिलेटेड इनका प्रॉब्लम है ये जी, कि मैं पिछले कई साल से सिर्फ चावल ही खा रहा हूँ क्योंकि अब मैं जॉ से दबा नहीं पाता हूँ, मेरे इस जॉइंट में पेन होने लगता है, इनका ये कहना है। बहुत डिटेल में था इनका, मैंने बहुत शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिया। हाँ, तो इनको एक पहले MRI कराना चाहिए। ओके, या CT करा लें या MRI करा लें,
उसकी जांच से ये पता लगे कि आखिर कमी क्या है। दूसरा, नज़दीकी अपने किसी डेंटल सर्जन के पास ये चेकअप कराएं कि दांतों में तो कोई कमी नहीं है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या परेशानी है क्या परेशानी नहीं है। बाकी मैंने कुछ एक्सरसाइज पिछली वीडियो में बताई हैं, उनको करके देखिए, अगर उनसे रिलैक्स हो जाते हैं तो अच्छी बात है। सर एक नेक्स्ट और सवाल है बड़ा कि इसमें पूछा है उन्होंने कि TMJ की सर्जरी में कितना खर्चा आता है। हाँ, ये कई लोग मुझसे भी पूछते हैं, लेकिन TMJ की सर्जरी एक बड़ी सर्जरी है, इसका सही डिसीजन तो वीडियो में नहीं बताया जा सकता, वो तो जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है या जो उसका एप्रोप्रिएट सर्जन है वो अपने हिसाब से बता पाएगा कि कितनी सर्जरी में खर्चा आता है, क्योंकि ये टीम वर्क होता है, एनेस्थेटिक भी होता है उसके साथ में, ENT सर्जन भी हो सकता है उसके साथ में, मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी हो सकता है उसके साथ में, तो ये टीम वर्क होता है, इसको वही पर्टिकुलर प्लेस पे बता पाएगा कि कितना खर्चा आएगा। सर नेक्स्ट जनरल हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं और उसमें है सबसे पहला कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं और मेरी एज 22 है, तो क्या ये ठीक हो सकते हैं इस एज में? हाँ, सही एज तो 14-15 साल तक होती है, लेकिन 22 तक अगर हैं तो भी ठीक हो सकते हैं, 25 तक ले लेते हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है दांतों की वो किस तरीके से है, ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कितना हमें करेक्शन उसमें करना है, ये चीज़ देखने का विषय है, अगर ज़्यादा नहीं है तो ठीक हो सकते हैं। ओके सर, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यू टू पेन एंड स्वेलिंग मेरे 4 दांत निकल चुके हैं और आज भी मेरा दर्द और मेरी जो स्वेलिंग है वो मुँह में वैसे ही है और मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो डायबिटीज वाले को अपनी शुगर मेंटेन करके रखना चाहिए, शुगर का बहुत बड़ा असर डायबिटीज वाले में 3 चीज़ों में पड़ता है, एक ओरल हाइजीन में पड़ता है, दूसरा नेफ्रोपैथी है, रेटिनोपैथी है, किडनी में है, ये कुछ अंग ऐसे हैं जिनमें हमारा डायबिटीज का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा इनसे कि अपनी शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, दूसरा समय समय पर अपने नज़दीकी किसी भी डेंटल सर्जन से या पेरियोडोंटिक्स से जाके अपने ओरल कैविटी का चेकअप कराएं, जिससे कि अगर कोई पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है तो उसको जो भी उस उचित इलाज हो उसका इलाज कराएं, क्योंकि अगर इसमें लापरवाही रखेंगे तो इस तरीके से दांत निकलते रहे तो पूरी ओरल कैविटी जो है खाली हो जाएगी, समाधान नहीं हो पाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि नज़दीकी किसी अच्छे डेंटल सर्जन से आप पहले चेकअप कराएं प्रॉब्लम क्या है। कुल मिलाकर तो सर यही है कि इसमें प्रिकॉशंस भी लेना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ में ट्रीटमेंट भी अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी लेना ज़रूरी है, और जो भी पेशेंट्स हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी सवाल लिखे थे आपने जिस तरीके से उत्तर दिए हैं अगर उनको फॉलो करें सारे पेशेंट्स तो उनकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल, डायबिटीज वालों के लिए खासकर ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ में अक्सर टर्मिनेटिंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो फेल होते हैं, इसलिए ओरल हाइजीन में चूंकि तरह तरह के हम खाना खाते हैं तरह तरह के इन्फेक्शन पैदा होते हैं, समय पे अपने दांतों का चेकअप कराते रहें। थैंक यू सो मच सर जवाब देने के लिए, एंड आई थिंक सो कि आज के इस वीडियो से जो व्यूअर्स ने हमें सवाल किए थे उनको राइट आंसर्स मिल गए होंगे और वो उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। थैंक यू।